योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों को तो प्रति माह 1 किलो जाते हुए कि हम सब आगे बढ़कर देश के विकास में, राज्य के विकास में लेकिन अभी नहीं बात है कि गवर्नमेंट के समझ समझते हुए प्रत्येक जन विकास की साथी जिसमें हर घर घर की जल की उपलब्धता हो, यानी कि जल ही जीवन है, इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ जल आप सभी को पीने के लिए मिले। हर एक व्यक्ति का यह मूल अधिकार है कि उसके लिए नल से जल उसके घर तक पहुँचाया जाए और इस अभियान को सार्थक करते हुए पेयजल विभाग की झांसी जाके आपके समक्ष अवशिष्ट प्रबंधन का स्वरूप भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह झांकी मंच के समक्ष से गुजरती थी। और ठीक उसके पीछे जो हमारे झांकी नजर आ रही है वह है वन प्रमंडल दुमका की झांकी। और वन प्रमंडल दुमका की झांकी लोगों से आग्रह करते हुए देखने के लिए आग्रह होगा कि इन झांकियों की खूबसूरती के साथ उनके माध्यम से दिए जाने वाले संदेश को भी समझने की कोशिश की जाए। झांकियों के बीच में अपने पारंपरिक वेशभूषा परिधान अपनी संस्कृति की छटा बिखेरते हुए ये यहाँ के लोग अपनी खुशी को इजहार करते हुए इस मेले में अपने भावों को प्रकट करते हुए अपनी संस्कृति को भरने केवल जनजातीय समुदाय हो बल्कि स्थानीय है गैर जनजातीय समुदायों की साझी विरासत के अद्भुत समन्वय को दर्शन कराता है। झांकी सभी को एक संदेश देती है कि लोक गीतों और पारंपरिक संस्कृति को के प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया। राज्य सरकार की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उसके जीवन में उस सहूलियतें प्रदान करने के लिए उनके जीवन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की यह झांकी मंच के समक्ष से गुजरती हुई। खादी ग्राम उद्योग का भाव खादी वस्त्र नहीं विचार है महात्मा गांधी के इन्हीं शब्दों को दर्शाता हुआ यह खादी बोर्ड की जो झांकी आपके समक्ष से गुजरेगी इसमें 100% महिलाएं हैं और यह इस बात को परिलक्षित करती हुई कि महिला सशक्तिकरण के इस भाव को न सिर्फ हम शब्दों में बल्कि कार्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत खादी को यह स्थान देते हुए यह इको फ्रेंडली झांकी आपके समक्ष है जिसमें किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो वातावरण में प्रदूषण कर पाए। प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसी सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। सर नमन से झुक गया क्योंकि यह झांकी है बाबा बासुकीनाथ की जिनकी श्रद्धा और भक्ति से आज हर एक कार्य झारखंड में संपन्न हो पा रहा है। विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही है। श्रावणी मेला में आने वाला हर एक भक्त
देवघर में जब बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर निकलता है तो बासुकीनाथ में आकर उसकी यात्रा समाप्त होती है। इसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष सावन में भी 48 लाख श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया और सरकार की तरफ से तमाम जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें कई सूचना केंद्र बने थे। साथ ही साथ यहाँ पर 1,57,000 श्रद्धालुओं का निःशुल्क इलाज किया गया। व्यवस्था इतनी बेहतर थी कि श्रद्धालु श्रद्धा भाव के साथ जिला प्रशासन के प्रति भी अपना सम्मान प्रकट कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से बहुत ही बेहतर मेला लगाया गया था और इस बार जिन श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किया उनमें से 80,000 श्रद्धालुओं को लगभग उनके परिजनों से मिलवाया गया। 3,12,000 के करीब श्रद्धालु यहां दर्शन कर पाए। टेंट सिटी के माध्यम से सभी सुविधाएं उन्हें सहज रूप से उपलब्ध कराई। प्रशासन के सहयोग का भाव उनके हृदय को छू गया। यह स्पर्श, यह भाव श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण बाबा भोलेनाथ की कृपा राज्य पर बनाए रखे, यही सभी नगरवासी कल्पना कर रहे हैं और जिला संपर्क विभाग इसे झांसा आपके सहयोग आपकी मदद के सेवा के लिए तत्पर और तैयार है। तो ये बड़ी ही खूबसूरत झांकी जो आपके समक्ष गुजरी, DRDA की झांकी अबुआ आवास, हर एक व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा और मकान हो यह चिंता यह सोच इसी का प्रतिरूप इसी का मूल रूप आपके समक्ष दर्शाते हुए DRDA की यह झांकी सबका आवास अबुआ आवास, झारखंड सरकार की कल्याणकारी प्रयास गरीब परिवारों को मिलेगा अबुआ आवास, इसी सोच को दर्शाते हुए कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे, हर एक व्यक्ति के पास अपना घर हो अपनी छत हो। ठंड के ठिठुरते हुए रात में या गर्मी की तपती हुई दोपहरी में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, हर किसी के पास अपना आवास हो। इसमें 2 लाख तक राशि आवंटित की जाएगी जिसमें 3 कमरों का पक्का मकान होगा एवं स्वच्छ रसोई शामिल होगी, यही दर्शाते हुए आपके समक्ष DRDA की यह झांकी। आज यह झांकी आपके समक्ष से गुजरता हुआ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक स्वस्थ